अगर मुंबई का कॉरपोरेटर खरीदना है तो उसकी ये कीमत है 2 करोड़ रुपया, एमएलए को खरीदना है तो 50 करोड़ रुपया कीमत लगाई है, रेट कार्ड लगाया है। शिंदे गट असं म्हणतोय की तुमची खासदार की धोक्यात आहे, आम्ही तुम्हाला व्हीप जारी करणार आहोत। बात करते हैं उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे एग्जैक्टली आपको ये जो फिगर्स है वो कहां से पता चल रहे हैं, क्योंकि काफी अपोजिशन जो है इसके ऊपर स्ट्रांगली रिटेलिएट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? रिटेलिएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है सर? काफी जो बीजेपी के भी है, बीजेपी और शिंदे गुट तो करेंगे। मैं अपोजिशन ही बात कर रहा हूं। हाँ वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि मैंने सच बोला है, जो पार्टी जो नेता एक शाखा प्रमुख वो लोगों ने रेड कार्ड बनाया है, रेड कार्ड इस राज्य में इस देश में कभी रेड कार्ड नहीं बनाता खरीद फरोश के लिए। अगर मुंबई का कॉरपोरेटर खरीदना है तो उसकी ये कीमत है 2 करोड़ रुपया, एमएलए को खरीदना है तो 50 करोड़ रुपया कीमत लगाई है, रेड कार्ड लगाया है। एमपी है 75 करोड़ 75 करोड़, शाखा प्रमुख 50 लाख, उसके ऊपर और एक रेड कार्ड लगाकर एजेंट भी नियुक्त किए हैं और कमीशन पर काम करे एजेंट लोगों को तोड़ने के लिए। ये पहली बार देश की राजनीति में हो रहा है कि एक शिवसेना से टूटा हुआ एक गठबुट है, उसने अपना एक रेड कार्ड बनाया है। कहां से आता है पैसा? अब कहां है ईडी, इनकम टैक्स? कौन सी आइडियोलॉजी है कि लोग उनके बाद छोड़कर जा रहे हैं? ये एक रेड कार्ड के हिसाब से काम चल रहा है महाराष्ट्र के राजनीति में। अगर नहीं है तो अपने बच्चों की शपथ लेकर बोलिए ये नहीं है करके। शिंदे का मतलब देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।